الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الله رب العزة كا बहुत बड़ा करम और एहसान है कि दीन की निस्बत से और दीन की बात सुनने की निस्बत से हम सब जमा हैं। अल्लाह पाक आप सब की इस हाज़िरी को इस बैठने को सुनने और सुनाने को अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाए और हम सब के ज़ाहिर और बातिन की इस्लाह का ज़रिया बनाए। हदीस पाक में अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि बेशक अल्लाह ताला ने मुझे भी चुना, इन्नल्लाह अख्तारनी, अल्लाह ने मुझे भी मुंतखब किया और मुझे भी चुना, इसलिए कि नबुवत कसबी चीज़ नहीं बल्कि वह भी चीज़ है। यानी ये मुमकिन नहीं है कि एक बंदा अपने आमाल नेकी तकवा तहारत परहेजगारी जिक्र असकार मामूलात इन सब की हद दर्जा पाबंदी कर ले इस नियत से कि मुझे नबूवत मिल जाए, तो ये नहीं हो सकता। इसलिए कि ये सारे काम कस्ब कहलाते हैं, काफ सा बा, काफ सीन और बा। कस्ब के माने आते हैं वो काम जिसको इंसान अपनी मेहनत और इख्तियार से कर ले। जैसे अभी असर की नमाज़ पढ़ी, तालीम हो गई, अभी ज़िक्र होगा, फिर कोई साथी जाके बाहर किसी को दावत दे दे, सौदा ख़रीद ले, घर चला जाए, ये सारे काम कहलाते हैं कसबी, जिसमें इंसान का बंदे का इख्तियार है।
कुछ चीज़ें इस दुनिया में ऐसी हैं जो है वहबी। वहबी वो चीज़ होती है जो अल्लाह की अता है, उसमें बंदे का कोई इख्तियार नहीं। अल्लाह जिसको चाहे जिस अंदाज से दे दे। इसलिए आप देखें, हम जिस घर में, जिस ख़ानदान, जिस नसब में पैदा हुए, तो इसमें कोई मेरा और आपका इख्तियार था कि आज मैं कहूँ या कि यार मैं कोशिश करता तो शायद उस जगह पैदा हो जा? नहीं, ये वह भी चीज़ है। नबुवत भी वह भी चीज़ है। इन्नल्लाह अख्तारनी, अल्लाह ने मुझे भी चुना कि मेरे अंबिया के सिलसिले की तकमील किस शख्सियत और किस हस्ती पर होगी। ये इंतखाब और इख्तियार अल्लाह पाक का था। लेकिन उससे आगे चलकर आप अलैहिस्सलाम ने एक कमाल की बात क्या फरमाई कि वख्तार अली असहाबी, अल्लाह ने मेरे लिए मेरे सहाबा को भी चुना कि मेरी सहाबियत में कौन आएगा, कौन मेरा सहाबी बनेगा, कौन ये खुशनसीब होगा। ये इंतखाब भी किस जात की तरफ से हुआ? अल्लाह की तरफ से। इसलिए मकाम सहाबियत ये मामूली दर्जा नहीं, ये बहुत बड़ा मकाम है। और कुरान करीम में अल्लाह पाक ने सब के लिए, जितने भी आप अलैहिस्सलाम के सहाबा थे, सब के लिए फरमाया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, उन सब के सब से अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमा लिया है। वो सब जन्नती है, उनको बेहतरीन ठिकाना मिलेगा। इसलिए मेरे अजीजों, दोस्तों, बुजुर्गों, इस मुबारक और मुकद्दस जमात से इस उम्मत को एक ख़ास निस्बत है और ख़ास ताल्लुक़ है। फिर उनमें से बाज़ हस्तियाँ ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह ने फिर ख़ास मकाम दिया। ख़ास तौर पे उनको अल्लाह पाक ने अजमत दी, फजीलत दी। उन्हीं हस्तियों में से एक शख्सियत वो हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु की। चूँकि नए इस्लामी साल 1446 का आगाज़ एक दिन बाद या दो दिन बाद होगा, तो 1445 ख़त्म, 1446 शुरू। इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम। मुहर्रम के महीने की पहली जो तारीख है, यकम मुहर्रम है, ये इस उम्मत के दूसरे खलीफा जो कई सिफात और फजाइल के हामिल हैं, ये उस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का योम शहादत है। और एक मुसलमान को इससे बाखबर होना चाहिए। एक मुसलमान को इस्लाम की इन मुहसिन शख्सियात की ज़िंदगियों से वाकिफ होना चाहिए। इसलिए कि दीन का कोई भी शोबा हो, कोई भी काम हो, कोई भी मेहनत हो, उसमें इंसान उसी वक्त हिम्मत कर सकता है जब उनके सामने सहाबा की कुर्बानियाँ हो। इसलिए आप देखें ना, अभी तालीम हुई, दुनिया की हर वो मस्जिद जो अहले हक की है उसमें फ़ज़ाइल आमाल की तालीम होती है। ये समझाने के लिए बात अर्ज कर रहा हूँ। आसान सी मिसाल, अब फ़ज़ाइल आमाल की तालीम हम सुनते हैं, बैठते हैं, करते हैं, उसमें हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दीन के, इस्लाम के तमाम फ़राइज़ और ज़रूरियात को जमा फरमाया। इसलिए ईमान के फ़ज़ाइल हैं, कलमे के फ़ज़ाइल हैं, नमाज के, रमज़ान के, हज के, ज़िक्र के, दावत के, इकराम के, सारी चीज़ें जमा हुई। लेकिन एक चीज़ पे आप गौर करें कि फ़ज़ाइल आमाल
जब हम खोलते हैं तो शुरू का हिस्सा किसका है? हिकायते सहाबा का। हिकायते सहाबा शुरू में लगाई हजरत ने, क्यों? इसलिए कि इशारा दे दिया इस सुनने और सुनाने वाले को, इशारा कर दिया कि आगे जो कुछ आ रहा है वो हम तक सही तरतीब से पहुंचाने वाली हस्तियां ये सहाबा थी और उनकी ये कुर्बानियां हैं और उनकी ये जिंदगियां हैं और उन्होंने किस कदर मुजाहिदात इस दीन के लिए बर्दाश्त किए। इसलिए मेरे अजीजों, दोस्तों, बुजुर्गों, इंसान के सामने जब अपने से पहलों के तस्करे होते हैं तो इसके लिए मुश्किलात आसान हो जाती हैं। आज हम इतनी जल्दी परेशान क्यों हो जाते हैं? थोड़ा सा कहीं काम फंसा, इंसान मायूस होने लग जाता है। सेहत ख़राब हुई, इंसान को लगता है पता नहीं अब क्या होगा, मैं तो बहुत जल्दी बीमार हो गया, अब क्या बनेगा। कोई कारोबारी रुकावट आए, हम परेशान हो जाते हैं। घरेलू मसला आया, हम परेशान हो जाते हैं। कोई हादसा होता है खुदा न खास्ता, हम परेशान हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि हमें ऐसा लगता है कि ये मामला मेरे साथ पेश आया और मैं इससे अब कैसे निकलूँगा। काश आज की इस उम्मत के सामने उन हजरात की कुर्बानियाँ होती, उनके तस्किरे होते, हमारी मजलिसों में सहाबा इकराम का जिक्र खैर होता तो जाके हमें अंदाज़ा होता कि ये कितने बड़े लोग थे। लेकिन जब दीन इस्लाम को कबूल किया और अल्लाह के पाक पैगंबर का कलमा पढ़ा, उसके बाद अपनी ज़िंदगी, अपनी ऐश व इशरत, अपनी खुशियाँ, सब कुछ इस पे कुर्बान कर, सब कुछ कुर्बान कर। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु इस मुबारक जमात के एक बड़े नुमाया शख्सियत है और बड़ी सआदतें इनके हिस्से में। सबसे बढ़कर अगर इंसान गौर करे, एक हदीस में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मिट्टी जहाँ से उठाई जाती है, यानी उनका खमीर जहाँ से उठता है उसको वहीं पर ही दफनाया जाता है। ये बहुत अहम हदीस है दोस्तों। पैगंबर के वजूद की मिट्टी जिस जगह से उठाई जाए, पैगंबर की कब्र भी उसी जगह बनेगी। बात समझ गए? और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ बनी? मस्जिद नबवी शरीफ में। किन के हुजरे में बनी? उम्मुल मोमिनीन सैयदे कायनात, आफीफा कायनात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा, उनका हुजरे मुबारक क़यामत तक के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोज़े मुबारक बन गया। अब हदीस को सामने रखे तो उससे समझ में आता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजूद अक़दस की जो मिट्टी थी वो इसी जगह से उठाई। और कमाल ये है कि उसी हुजरे में आपके साथ दो हस्तियां आराम फरमा रही है, जिनको हज़रत शेखैन कहा जाता है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु। इसलिए उलमा ने लिखा है, हमारे उलमा काबिर देवबंद ने यह बात लिखी कि इससे मालूम हुआ कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजूद की मिट्टी और हजरत शेखैन के वजूद की मिट्टी एक जगह से उठाई गई। इतनी बड़ी सआदत, एक जगह से उठाई गई, एक जगह पे तदफीन कर दी गई। और आपने फरमाया जब हशर कायम होगी, क़यामत कायम होगी, तो इस ज़मीन को शक किया जाएगा और सबसे पहले जो इंसान ज़मीन की मिट्टी से उठेगा
वो कौन होंगे? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले इस कब्र से उठने वाली हस्ती मैदान महशर वाले दिन वो आप अलैहिस्सलाम की। और आपने फरमाया फिर मेरे बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, और फिर उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। गोया अल्लाह ने दुनिया में भी इन हज़रात को मुंतखब किया आपके साथ। आपका इंतकाल हुआ तो अभी इंतकाल में 17 नमाजें बाकी थी। कितनी नमाजें? 17 नमाजें। 17 नमाजें बाकी थी और आप अलैहिस्सलाम को इतनी कमज़ोरी और ज़ौफ़ हुआ कि आपने 3 मरतबा उठने की कोशिश की। 3 मरतबा बुखारी शरीफ में रिवायत है। लेकिन जैसे ही आप उठते आप पर गशी तारी होती, आप बेहोश हो जाते। फिर उठते फरमाते क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? तो आपसे कहा जाता नहीं, लोग तो आपके इंतज़ार में। आप फरमाते मुझे उठा लो। जब उठाया जाता फिर ज़ौफ़ इतना होता कि दोबारा गशी तारी हो जाती। 3 मरतबा ऐसा हुआ। 3री मरतबा के बाद जब आप उठे आपने फरमाया लोगों ने नमाज पढ़ ली, तो आपसे फरमाया गया लोग तो आपके मुंतज़र हैं। तो आपने फरमाया मुरू अबा बकरिन फल्युसल्लि बिन्नास, जाके अबू बकर से कह दो कि आकर लोगों को नमाज पढ़ा दे। इशारा कर दिया, इंतखाब कर लिया कि अगर मैं न रहूं इस दुनिया के अंदर, इस फानी दुनिया में, मेरे बाद मेरे इस मुसल्ले पर जो उम्मत का पहला इमाम बनेगा वो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह। लिहाजा आप हयात थे, आपके होते हुए मस्जिद नबवी में आपके मुसल्ले पर 17 नमाजें हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ने पढ़ाई। और जब उनका इंतकाल हुआ तो इंतकाल से पहले जो मदीना मुनव्वरा के जय्यद सहाबा थे उनको बुलाया और उनसे कहा मैंने तुम्हारे लिए खलीफा सोच लिया है। पूछा कौन? का हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। किसी को कोई एतराज़ तो नहीं? उन्होंने कहा एतराज़ तो नहीं है लेकिन उमर सख्त हैं मिजाज के, मिजाज के सख्त हैं। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया उनकी सख्ती मेरी वजह से, मैं हूँ तो उमर सख्त है, कल उमर पे ज़िम्मेदारी आएगी वो निज़ाम को संभाल लेंगे। ये तो दुनिया का निज़ाम है दोस्त। एक इंसान के पीछे जब सरपरस्ती मजबूत होती है ना तो इसको काम करने में हर तरह का मिजाज ये इख्तियार कर सकता है। लेकिन ख़ुद उस जिम्मेदारी के मनसब पे जब आ जाए और पीछे का सरपरस्त न रहे, अब मिजाज में एतदाल आता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन मुंतखब हो गए। और कितना अरसा उम्मत की खिलाफत की किसी को पता? 10 साल 6 महीने, 10.5 साल उम्मत की खिलाफत की। ये एक मुनासिब अरसा है, एक मुनासिब अरसा है, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम नहीं, मुनासिब अरसा है। लेकिन इस अरसे में इस्लाम की दावत को, इस्लाम के निज़ाम को, इस्लाम की मेहनत को कहाँ तक ले गए? आधी दुनिया, 22 लाख मुरब्बा मील, जो उस वक्त की दुनिया के नक्शे का बिल्कुल आधा है, उस तक इस्लाम के निज़ाम को नाफिस कर दिया। इतना अल्लाह ने काम लिया। लेकिन सोते किस तरह थे? कच्चे फर्श पे, सर के नीचे ईंट रखी हुई और खुली ज़मीन पर सोए हुए, खुली ज़मीन पे। आम आदमी तो नहीं, पूरी उम्मत मुस्लिमा के खलीफा है, आम इंसान नहीं, आधी दुनिया पर हुक्मरानी करने वाली शख्सियत है। लेकिन अकेले तने तन्हा मदीना की आबादी से बाहर सो रहे हैं। तो एक ईंट सर के नीचे तकिया है और कच्ची ज़मीन पे सो रहे हैं।
और इधर रूम के बादशाह ने अपना एक नुमाइंदा भेजा कि जाओ मुसलमानों के निज़ाम को देख कर आओ कि हुआ क्या है, कि जहाँ जाते हैं अल्लाह उनको फतह देते हैं, हर मुल्क उनके कब्ज़े में आ रहा है, हो क्या रहा है। जब वो सफ़ीर पहुँचा उसने पूछा भाई तुम्हारे बादशाह कहाँ है, अइन मलिकुकुम, उनके यहाँ तो बादशाहत का तसव्वुर था ना, अइन मलिकुकुम, तुम्हारे बादशाह कहाँ है। एक सहाबी ने कहा किसी के हमारा बादशाह नहीं होता, हमारे यहाँ अमीर होता है। चलो अमीर कहाँ है, कहा अमीर वो ज़रा आबादी से बाहर की तरफ गए, जब आए तो क्या देखा एक वीरान जगह है, खुली ज़मीन पर एक शख्स सो रहा है और धूप की शिद्दत से पसीना उसके जिस्म से बह रहा है, सर के नीचे ईंट रखी हुई है, कोई मुहाफिज नहीं, कोई चौकीदार, कोई दरबान, कुछ भी नहीं है। ये उमर है, कहाँ ये उमर है, ये मुसलमानों के खलीफा है। तो उस कासिद ने एक जुमला कहा जो तारीख का हिस्सा बन गया, या उमर अदलता फअमिनता व निमता, का ए उमर आपने ज़मीन पर अदल कायम किया, अमन हो गया, और जब अमन हो गया तो आप सुकून की नींद सो गए। या उमर अदलता फअमिनता व निमता, आपने ज़मीन पर अदल कायम किया, अमन हो गया, जब अमन हो गया तो आप सुकून की नींद सो गए। आज सुकून की नींद क्यों नहीं, हर आदमी क्यों रात को हड़बड़ा के उठता है, हमें क्यों नींद की गोलियां खानी पड़ती है, क्यों हम बेचैन और परेशान हैं। इसलिए कि आज ज़मीन पर अदल नहीं, बेइंसाफ़ी है, जुल्म है, न इंसान महफूज, न इज़्ज़त महफूज, न ईमान महफूज, अब जानवर महफूज नहीं, एक ज़िंदा जानवर का पैर काट दिया गया। जिस ज़मीन पर ये कुछ हो उसके बाद इंसान कहे कि जी क्यों सुकून नहीं, क्यों बारिशें नहीं, क्यों हवाएं नहीं, अल्लाह के गज़ब को दावत देने वाले काम हो और फिर अल्लाह की रहमत की उम्मीदवार भी बन जाए, उसमें भी बैठ जाए। इसलिए मेरे अजीज़ों दोस्तों बुज़ुर्गों, आज बड़ी ज़रूरत है कि इन मुबारक हस्तियों के तस्किरे हों, इनकी कुर्बानियों के तस्किरे हों, इनके फ़ज़ाइल बयान किए जाएं, ये अल्लाह के दीन के लिए कितना इस्तेमाल हुए, इनकी दुआओं में अल्लाह ने कितनी ताकत रखी, अल्लाह से मांगा ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा जाल मौती, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वज़अल मौती फ़ी बलद हबीबिक, अल्लाह अपने रास्ते की शहादत नसीब कर दे और अपने हबीब का शहर नसीब कर दे। उलमा ने फरमाया शहादत भी मांग रहे हैं लेकिन मैदान जिहाद में नहीं, मदीना के शहर में। अब ये दुआ कैसे पूरी होगी, अल्लाह ने दुआ पूरी फरमाई, शहादत भी मिली, मदीना भी मिला, बल्कि अपने महबूब का मुसल्ला भी मिला। फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, एक मजूसी गुलाम ने जहर में बुझा हुआ तीर था, खंजर था, वो लाकर इनके कमर में घोंप दिया, जहर में बुझा हुआ, और जब वो घोंपा और फिर वो निकाल के जब भागने लगा तो पीछे जो सहाबा खड़े थे उन्होंने इसको पकड़ने की कोशिश की, तो उसने अंधाधुन वो खंजर ऐसे चलाया, 11 सहाबा उसकी जद में आके मजीद जख्मी हुए, उनमें से भी 6 सहाबा शहीद हो गए, 5 जख्मी 6 शहीद हो गए। फिर एक सहाबी ने अपनी बड़ी चादर इसके ऊपर फेंक दी, इसको पकड़ लिया गया, हजरत उमर जख्मी हो गए, लेकिन जख्मी होने के बाद क्या हुआ, एक और सहाबी वो फौरन आगे बढ़े और उन्होंने बाकी नमाज को पूरा किया। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे से पूछा मुझ पर हमला करने वाला कौन था, इसलिए कि वो घबरा गए कि मस्जिद में तो सब अपने साथ ही हैं, किसने हमला कर दिया, कोई मुसलमान तो नहीं। तो अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा कि नहीं, आप पर हमला करने वाला तो
एक फारसी मजूसी है, अबू लुलू जिसका नाम है। जब सुना तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह कि उमर पर हमला करने वाला कोई कलमगो मुसलमान नहीं। अब जिस्म ज़ख्मी है, इलाज शुरू हुआ। उस ज़माने का जो इलाज का तरीक़ा था तो वो ये था कि दूध को अच्छी तरह गर्म करके वो ऐसे मरीज़ को पिलाते थे। अब वो जब पिलाते थे, अगर वो दूध हज़म हो गया, बाहर नहीं आया, तो वो हकीम कहता था कि ये काबिल इलाज है, ये ठीक हो जाएंगे। एक दस्तूर था। और अगर वो दूध ज़ख्मों से बाहर आने लग जाता, कहते थे भाई इसका इलाज नहीं हो सकता। तो दूध गर्म करके हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को जब पिलाया गया तो वो ज़ख़म के रास्ते से बाहर आने लगे। तो समझ गए तो बेटों को बुलाया और कहा कि अब मैं नहीं बच सकता हूँ, मेरे पास वक्त कम है। अपनी वसीयत फरमाई, 6 सहाबा इकराम की शूरा मुकर्रर की कि ये इस उम्मत के तीसरे खलीफा को मुंतखब करेंगे। 6 शूरा, लेकिन उन 6 में भी अपने बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर का नाम नहीं दिया। और उनसे कहा कि देखो, शायद मेरे इंतकाल और जनाजे के बाद ये लोग आप पे इसरार करेंगे और आपसे कहेंगे कि जी आपके पास भी इतनी हदीसें हैं, सिफात हैं, आप शामिल हो जाएं, लेकिन मेरी वसीयत याद रखना कि कभी भी इसके अंदर शामिल नहीं, ये आपके हिस्से का काम नहीं। 26 ज़िलहज्जा को ज़ख्मी हुए। ये बात समझने की और याद रखने की है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि यकम मुहर्रम तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु का योम शहादत नहीं है। 26 ज़िलहज्जा को ज़ख्मी हुए, लेकिन उन ज़ख्मों की ताब न लाते हुए इंतकाल और शहादत कब हुई? यकम मुहर्रम। तो भाई, इंसान बीमारी के दिन को योम वफात कहता है या इंतकाल वाले दिन? इंतकाल वाले दिन। यकम मुहर्रम को शहीद हुए की नमाज जनाजा पढ़ी गई और रोज़ा मुबारक के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पहलू में आपको दफना दिया गया। अल्लाह करीम मुझे भी आप सबको सही अमल की तौफीक नसीब फरमाए। कुछ देर के लिए इंशाअल्लाह खत्मात शरीफा पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहु शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहु वलीयुम मिनज़्ज़ुल्ल वकब्बिरहु तकबीरा। तमाम साथी एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्म सल्ली अला اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد। एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد। एक मरतबा सूरह अलम नशरह पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक ववजअना अनका दिक्रक। एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु वहद अल्लाहु समद लम यलिद। एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد। सात मरतबा पढ़ें। اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات। सात मरतबा पढ़ें। اللهم يا كافي المهمات اللهم يا كافي المهمات। सात मरतबा पढ़ें। اللهم يا دافع البليات اللهم يا دافع البليات। सात मरतबा पढ़ें। اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا شافي الأمراض। सात
سات مرتبہ پڑھیں اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات. سات مرتبہ پڑھیں اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات. سات مرتبہ پڑھیں اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ. تین مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ. تین مرتبہ پڑھیں یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ. تین مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ. تین مرتبہ پڑھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں یا لطیفاً بخلقہ، یا علیماً بخلقہ، یا خبیراً بخلقہ. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. یا لطیفا بخلقه، یا علیما بخلقه، یا خبیرا بخلقه. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تین مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تین مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تین مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تین مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تین مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم، یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد.
तीन मरतबा पढ़े अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मईन्नुल क़ुलूब, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मईन्नुल क़ुलूब। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। ये जितने ख़त्मात मुबारका पढ़े गए इनका ईसाल सवाब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके क़ब्र मुबारक में आपके वास्ते और वसीले से पूरी उम्मत मुस्लिमा को बिलखसूस खुलफ़ाए राशिदीन तमाम सहाबा इकराम अहले बैत इज़ाम ताबईन तबा ताबईन इस उम्मत के मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन मुज्तहिदीन फुकहा अइम्मा अरबा सलासिल अरबा सिलसिला नक्शबंदिया कादरिया चिश्तिया सोहरवर्दिया के अपने तमाम मशाइख और बुज़ुर्गों को अपने वालिदैन तमाम असातिज़ा इकराम दोस्त अहबाब रिश्तेदार अइज़ा अक़ारिब जिन जिन के हम पर हुकूक़ और एहसानात हैं बिलखसूस अपने वालिदैन रहमहुमुल्लाहु ताला और बिलखसूस अपने मुशफ़िक़ और मुरब्बी हज़रत मुफ्ती साहब नव्वर अल्लाहु मरकदहू और अपने मामूजान हज़रत मौलाना मुफ्ती सफ़ीज़ुर रहमान साहब नव्वर अल्लाहु मरकदहू तमाम हज़रात को इन ख़त्मात का ईसाल सवाब करते हैं। अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक पूरा पूरा अजर इनको नसीब फरमाए। कुछ देर के लिए ज़िक्र क़ल्बी यानि मुराक़बा करेंगे। तमाम साथी अपने दिलों की तरफ मुतवज्जे हो जाएँ, सरों को झुका लें, आँखें बंद कर दें, दिल में तसव्वुर करें कि अल्लाह की बारगाह से अनवारात फ्यूज़ात तजल्लियात उतर रहे हैं, मेरे दिल में समा रहे हैं। उसकी बरकत से मेरे दिल से गुनाहों का मैल कुचैल जंग जुलुमात कुदूरात सब कुछ निकल रहा है और मेरे दिल की हर धड़कन कह रही है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इलाही मैं हूँ बस खतावार तेरा, मुझे बख्श दे है नाम गफार तेरा। इलाही मैं हूँ बस खताबार तेरा, मुझे बख्श दे है नाम गफार तेरा। इलाही बता छोर सरकार तेरी, कहाँ जाए अब बंदा लाचार तेरा। मर्ज़ ला दवा की दवा की से चाहूं, मर्ज़ ला दवा की दवा के से चाहूं, तू शाफी है मेरा मैं बीमार तेरा। तू शाफी है मेरा मैं बीमार तेरा। इलाही मैं सब छोड़ घर बार अपना लिया है पकड़
अब तो दरबार तेरा कहा जाए जिसका नहीं कोई तुझ बिन, कहा जाए जिसका नहीं कोई तुझ बिन, किसे ढूंढे जो हो तलबगार तेरा, किसे ढूंढे जो हो तलबगार तेरा, रहेगा न कुछ नकद इस यास मेरा, लगेगा जो रहमत का बाजार तेरा, इलाही मैं हूँ बस खतावार तेरा, मुझे बख्श दे है नाम गफार तेरा, हमें बख्श दे है नाम गफार तेरा। لا اله الا الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين। يا الله हमारे इस बैठने को, इस सुनने को, थोड़ा सा जिक्र करने को अपनी बारगाह में इंतहाई दर्जे में कबूल व मंजूर फरमा। या जितने साथी, जितने तलबा अजीज़ मोहब्बत के साथ तशरीफ़ लाए, अल्लाह सबको दुनिया आखिरत की खुशियाँ, बरकतें, वसअतें, सआदतें, राहतें, नेमतें अपनी शान के मुताबिक नसीब फरमा। सारी ज़िंदगी या अल्लाह अपने मुबारक ज़िक्र से अपनी ज़बान और दिल को मुअत्तर रखने की तौफीक नसीब फरमा। हमारे हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह को इन तमाम खैर के सिलसिलों को या अल्लाह उनके हक़ में सदक़े जारिया फरमा। हमारे वालिदैन की, हमारे मामू जान की, कुल उम्मत के मरहूमीन की अल्लाह कामिल व मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व आलिही व सहबी अजमाइन। बिरहमतिक। अस्सलामु अलैकुम।